हे गाइस, वेलकम टू MKG AKA मोबाइल का गेमर। तो गाइस, आज मैं फाइनली ले आऊँ वन ब्लॉक का पार्ट 21, जिसकी आप लोग काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे। और इसके लिए मैंने एक ट्रेलर भी निकाला था, जिसमें आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आया था और आप में से काफ़ी लोगों को पसंद आया था। तो गाइस, थैंक यू सो मच। और मैं बताता हूँ, आज की वीडियो में आपको मेरे वन ब्लॉक पार्ट 21 तक का डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगा, जो मैं अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैंने थोड़े बहुत ऑफलाइन काम किए, जैसे इंचेंटिंग वगैरह, तो मैंने अपने एक स्वॉर्ड ली, मतलब स्वॉर्ड बनाई थी एक डायमंड की, और मैंने अपने लिए लाइटर जो है वो इंचेंट कर लिया था। आप देख सकते हैं मेरे पास लाइटर है, इसमें मैंने मेंडिंग लगा ली थी और लाइटर में और कुछ लगता भी नहीं है। तो आज बस हम जाएंगे एंडर ड्रैगन को मारने। और तो काफ़ी लोग पूछेंगे कि आप NCT कब जाओगे, तो मैं बता दूं, उसके लिए अलग से मैं एपिसोड निकालूंगा, अभी तो नहीं पर थोड़े टाइम बाद। और इसके बाद हम कोई नई सीरीज़ या आपके पसंद की कोई भी नई गेम स्टार्ट कर सकते हैं, गेम तो नहीं पर नई सीरीज़ मैं स्टार्ट करूंगा इसके लिए। तो ठीक है यार, बिना किसी देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं दिखा दूं मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ। तो पहले बात, मेरे पास ये स्वॉर्ड है, डायमंड की स्वॉर्ड। और यार पता है इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या थी, इसमें मैंने बस ऊपर ही एनचेंटिंग टेबल पे एक बार लगाई थी बिना एनचेंटेड की, मतलब कोई एनचेंटमेंट लगी नहीं थी। मैंने बस इसे यहाँ पर रखा और 30 लेवल वाली एनचेंटिंग ली, और उसमें भाई ये सारी चीज़ें आ गई। आप देख सकते हो, लूटिंग 3, अनब्रेकिंग 3, फायर रेस्पेक्ट 2, मतलब पूरी हर चीज़ आ गई जो मुझे चाहिए थी एक ही बार में। तो मुझे बेफालतू अपनी XP भी वेस्ट नहीं करनी पड़ी। और मैं बता दूं क्या लेके जा रहा हूँ, मैं आज पहली बार एंडर ड्रैगन को मारूंगा इलाइट्रा लेके। उसके लिए मैंने रॉकेट्स भी बना लिए थे, इतने रॉकेट्स बन पाए यार मेरे पास। हाँ, दो स्टैक हैं ऑलमोस्ट, एक 64 है और एक 50। और आप देख सकते हो मैं काफ़ी सारे अपने लिए पोशंस लेके जा रहा हूँ, वैसे इतनी ज़रूरत तो नहीं होगी, मैं थोड़ा बहुत रख ही लेता हूँ यार, काफ़ी ज़्यादा हो गए। और थोड़ा बहुत एनचेंटेड गोल्डन एप्पल भी चाहिए मेरे को, मैं एक ही ले लेता हूँ, एक ही काफ़ी है, और गोल्डन एप्पल्स तो हैं मेरे पास। और मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ काफ पंपकिन, क्योंकि यार ये ज़रूरी होगा कहीं, मतलब हम इसको पहन के तो रखूँगा पर हाँ, अगर एंडरमैन ने एक साथ हमला कर दिया तो भाई काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, तो उसके लिए मैंने ये रखा हुआ है काफ पंपकिन। और तो गाइस मेरे पास और कुछ ऐसा है नहीं, बाकी शील्ड है मेरे पास। और बस अब हमें अपना पोर्टल जाके एक्टिवेट करना है, तो अभी तक मैंने एक्टिवेट नहीं किया था उसे। और भाई एंडरमैन क्या कर रहा है यहाँ पे, निकल। ओके भाई गया ये। ओके, तो अभी तक मैंने अपना पोर्टल एक्टिवेट नहीं किया, तो जल्दी से पहले मैं आई ऑफ एंडर बना लूँ अपने लिए। ओके गाइस, तो मैंने अपने लिए आई ऑफ एंडर पहले से बना के रख ली थी, आप देख सकते हो 13 बना ली थी मैंने, वैसे पड़ेगी तो 12 की ज़रूरत, पर मैंने ऐसे ही मतलब जल्दी जल्दी मैं बन गई थी मेरे से। तो चलो अब इसको एक्टिवेट करते हैं पोर्टल को। ओके गाइस, तो फाइनली हमारा पोर्टल भी एक्टिवेट हो गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं फिर से एक बार याद कर लूँ, और कुछ तो नहीं चाहिए ना मेरे पास, सब कुछ है वैसे भी, और वो भी है। और मैं इलाइटर पहन के रखता हूँ यार, इलाइटर की ज़रूरत पड़ेगी। और नाइट विजन पोशन मैं अपने यहाँ साथ में रखता हूँ। ओके, तो चलो अब चलते हैं अपने एंड में। ओके गाइस, ओके, तो आ गए हम यहाँ पे, और अच्छा हुआ हम इसी जगह स्पॉन हुए, उस ब्लॉक में स्पॉन नहीं हुए। तो कहाँ से खोदना स्टार्ट करूँ यार मैं, यहीं से करता हूँ, थोड़ी सी रोशनी आ रही है बस। और उससे पहले यार मैं अपने लिए वो पी लूँ नाइट विजन पोशन। अरे मुझे थोड़ा ऊपर जाके पीना चाहिए था, फिर ज़्यादा जल्दी इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा ना इसका। अरे नाइट विजन पोशन मैंने नहीं बनाए हैं ये, पहले से मुझे बने हुए मिले थे, वो चेस्ट जो मिलती रहती थी ना लव वाली चेस्ट, उसमें सारे थे, तो काफ़ी अच्छी बात है। ओके गाइस, तो नाइट विजन से काफ़ी मुझे लग रहा है फ़ायदा होगा हमें। ओ भाई साहब, ये देखो बड़ा सही है। तो चलो यार अब इलाइट्रा को उड़ाते हैं। तो मैं चढ़ के तो नहीं आई अभी, तो जो ऐसे बिना वो आयरन बार वाले हैं ना, उनको तो मैं उड़ के मारूंगा। ओके, तो मैं देख लूँ पहले, इलाइट्रा पहनी हुई है मैंने, और यहाँ से कुक चिकन खा लेता हूँ थोड़ा। ओके गाइस, मुझे डर लग रहा है मैं गिर ना जाऊँ। अरे रॉकेट क्यों छोड़ दिया मैंने ऐसे। ओके, अरे यार मैं कैसे खेल रहा हूँ, सही में कैसे खेल रहा हूँ यार मैं। ओके, तो मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। अच्छा हुआ वहाँ पर नीचे ज़मीन थी यार, अगर मैं सही में नीचे गिर जाता ना तो सोच सकते हो क्या होता। ओके गाइस, तो चलो एक और बार ट्राई करते हैं। अरे यार बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, मैं तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। क्या हो रहा है, और ये एंडरमैन मेरे पीछे क्यों पड़ गए? देखा, इसीलिए मैंने ये अपने साथ एक कार्व पंपकिन रखा था, क्योंकि मुझे पता था ये पीछे पड़ेंगे। अरे नहीं, मैं गया, देखा
मतलब आने से पहले ही मर गया यार मैं। इतनी बुरी किस्मत किसी की कैसे हो सकती है। अब पता है काफी लोग मुझ पे हंस भी रहे होंगे लाइट रह से। ओके तो एक बार फिर से कोशिश करेंगे हम। ओके गाइस हम फाइनली उड़ गए हैं और भाई अभी हमें बाहर ही निकल जाता कहीं। ओके तो चलो अब ऐसे ऐसे मारेंगे हम। ओके पहला फूट चुका है ये और वही मुझे मतलब पहली बार कभी ऐसे एंडर ड्रैगन को मार रहा हूँ मैं। ओके एक और गया, दो फूट चुके हैं इसको। अरे यार ये निशाना नहीं लगा मेरा। और गाइस सही में काफी मजा आ रहा है ऐसे मारने में। अरे यार ये भी नहीं लगा, बताओ ये लग जाएगा। ओ भाई मुझे डैमेज लग गया थोड़ा। ओके एक और ट्राई करते हैं। कितने, तीन फूट चुके। ओके अरे यार एंडर ड्रैगन मार रहा है। ओ यार मैं नीचे कैसे गिर गया। अबे मुझे फिर से फ्लाइट भरनी पड़ेगी। ओ भाई कहाँ कहाँ कहाँ। ओके किसको मारूं। ओके इसको मारता हूँ। ओके ये भी गया। ओके एक और गया और कौन कौन सा बचा। अबे भाई मैं टकरा ना जाऊँ सही में यार, बड़ा डर लग रहा है। पहली बार इलाइट्रा उड़ा के मार रहा हूँ ना इसको। ओके ओके भाई ये भी गया। अब कितने बचे हैं, एक बचा है शायद, अब एक ही बचा है ना। अबे यार मतलब निशाने देखो मेरे। लग जा लग जा लग जा। अबे यार क्यों नहीं लग रहा नूब। ओके मुझे एक बार फिर से ट्राई करना पड़ेगा। अब तो लग जा। अबे अब भी नहीं लगा यार, बताओ। ओके लग गया शायद, फूट गया ये। ओके गाइस फूट गया तो अब हमें बस कितने आयरन बार वाले फोड़ने हैं, बस दो ही फोड़ने आयरन बार वाले। ओके तो ये मैं फोड़ लूँगा आसानी से। ओ भाई आराम से। तो अभी मैं सोच रहा हूँ ना कार्व पम्पकिन पहन लूँ, क्योंकि यार एंडरमैन ने एक बार हमला कर दिया ना तो मैं गया सही में। ओके तो चलो ये लेते हैं। ओके टूट जा टूट जा। और ओके गया ये, बहुत बढ़िया। बस एक लास्ट बचा है उसको फोड़ना है, फिर हम एंडर ड्रैगन को अपनी तलवार से मारेंगे, ओपी तलवार जो है हमारी। ओके मैं पहुंच गया हूँ यहाँ तक, फूट जा। ओके बहुत बढ़िया गाइस, अब उसकी हेल्थ का कोई भी सोर्स नहीं बचा है, अब हम उसे अपनी तलवार से मारेंगे। और उससे पहले मैं अपने फ़ोन की वॉल्यूम कम कर लूँ, क्योंकि उसके बाद जाऊँगा ना इतनी ज़ोर से चीखता है वो सही में। बहुत बढ़िया चल जा। ओ भाई नहीं 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 ओ भाई मेरी हेल्थ देखो तुम। मुझे एक एप्पल वगैरह खाना पड़ेगा यार, गोल्डन एप्पल खा लेता हूँ एक। चलो अब उसको यहाँ से मारते हैं, देखना बहुत ज़ोर से चीखता है, मतलब ये देखो। ओ भाई आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी उतनी, पर मैंने हेडफोन्स पहने हैं इसलिए मुझे बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। और भाई स्वॉर्ड तो देखो कितनी सही काम कर रही है ये तो ऐसे ही मरेगा, और इसे मारना भी काफ़ी आसान है। मेरे ऊपर हमला मत कर दियो भाई बस। ओके ओ भाई बहुत तेज़ आवाज़ है सही में। मर जा भाई मर जा मर जा मर जा। ओके थोड़ी सी हेल्थ बची और मैं खाना वगैरह भी खा लूँ। मेरी हेल्थ देखो कूदने से यार बहुत हेल्थ जाती है। ओके अब कहाँ से आ रहा है, आ जा आ जा। ओ भाई आवाज़ इसकी इतनी तेज़ है ना। मर जा मर जा मर जा मर जा। ओके बस यार देखो देखो मर गया मर गया मर गया मर गया बस मर गया। ओके गाइस गया ये। ओके देखो गया एंडर ड्रैगन भाई, बहुत बढ़िया मजे आ गए, एक्सपी ही एक्सपी। ओ भाई साहब तो हमें मुझे 64 एक्सपी मिलती है ना शायद इसको मारने पे।
फाइनली यार गया हंड्रेड ड्रैगन। और यार सही में बताऊँ ना, इलाइट्रा ने काफ़ी हेल्प किया यार मारने में उसे। इलाइट्रा ना होता तो मतलब मारना उसे काफ़ी मुश्किल होता, मतलब क्या बोलते हैं उनको फोड़ना मुश्किल है मेन ना, बाकी तो उतना कुछ मुश्किल नहीं है। और मैं शील्ड पहन लेता हूँ ताकि ये आ जाए। ओके बहुत बढ़िया। यार मैंने हेलमेट क्यों नहीं पहना है? हाँ ओके गाइस, तो फाइनली हमारा ख़त्म हो गया। और देखो हमें ड्रैगन एग भी मिला है, तो इसको लेने का एक तरीका है। मेरे पास पर टॉर्च नहीं है ना। हाँ यार टॉर्च होनी चाहिए थी तभी मैं इसको ले पाता। कोई नहीं, फिर कभी आएंगे तब लूँगा मैं इसको। तो अभी तो चलते हैं वापस। यार टॉर्च कैसे बनाऊँ? मुझे टॉर्च चाहिए। यहाँ से लूँ क्या, ले सकता हूँ क्या? एक मिनट बस, यहाँ नीचे ना चले जाऊँ। ओके आ गई मेरे पास टॉर्च। ठीक है चलो अब देखते हैं ये एग कहाँ टेलीपोर्ट होगा। कहाँ गया भाई? ओके वो रहा। अब इसको लेने का जो तरीका है मैं बताता हूँ कैसे लेना पड़ता है इसको। तो सबसे पहले इसके दो ब्लॉक नीचे, मतलब दो गड्ढे खोदो, और फिर टॉर्च है ना उसको लगा दो नीचे, यहाँ पर लगा दो टॉर्च को। और फिर जैसे ऊपर वाला खोदोगे तो देखो ये टूट जाता है अपने आप ही। ओके गाइस, तो हमें ड्रैगन एग भी मिल चुका है, तो हम वापस कभी एंडर ड्रैगन को स्पॉन भी कर सकते हैं। और वो देखो यार हमारी एनसीटी भी खुल गई है, वो देख रहे हो? तो वहाँ पर भी हम इसके कभी जो दूसरा एपिसोड बनेगा वहाँ पर जाए। अबे यार क्यों मार रहा है, क्यों मार रहा है? अरे निकलो यार, एंडर ड्रैगन मेरे को मार डालेगा वरना। ओके तो गाइस ख़त्म हो गया हमारा माइनक्राफ्ट। वन ब्लॉक ख़त्म हुआ है ना यार, वन ब्लॉक हो गया हमारा ख़त्म। यार एक तो क्रेडिट्स इसके इतने धीरे धीरे आते हैं ना, वरना मुझे देखने का मन भी करता है। ओके तो यहाँ से स्किप करते हैं इसको। ओके भाई चलो, हमारा वन ब्लॉक आखिरकार ख़त्म हो गया पार्ट 21 तक। मतलब मुझे लगता है मैंने इतनी लंबी सीरीज़ चलाई होगी, और किसी यूट्यूबर ने इतनी लंबी नहीं चलाई है यार। ब्लैक ब्लू ने भी मतलब 13 पार्ट तक एंडर ड्रैगन को मार दिया था, और मैं 21 तक लेके चला गया इसको। तो गाइस फाइनली हमने एंडर ड्रैगन को मार दिया और हमारा पार्ट 21 भी ख़त्म हो गया है। तो काफ़ी मतलब आसान था उसको मारना, क्योंकि यार इलाइट्रा थी मेरे पास, तो इलाइट्रा से मतलब उसके जो एंड क्रिस्टल थे ना उनको फोड़ना काफ़ी आसान था, तो उससे काफ़ी मुझे हेल्प हो गई इलाइट्रा से। वैसे सर्वाइवल में तो हमें ऐसे ही मारना पड़ेगा चढ़ चढ़ के, कोई नहीं पर उसमें भी ऐसे मार देंगे। तो आप में से काफ़ी लोग बोल रहे होंगे कि भाई एनसीटी भी जाता, पर यार मैं सोच रहा हूँ एनसीटी अभी थोड़ा टाइम बाद जाऊँ, अभी नहीं जाऊँ। अभी जैसे कोई नया एपिसोड मैं बनाऊँगा इसका तब जाऊँगा एनसीटी, और एक एनसीटी का एक घर भी बनाऊँगा यहाँ पर अगर आप चाहो तो। और गाइस मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको मतलब वन ब्लॉक मेरा डाउनलोड करना है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। आपको यही पार्ट मिल जाएगा पार्ट 21 तक। और मैं गेट बंद कर दूँ पहले। तो गाइस होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, क्योंकि यार काफ़ी मेहनत लगी यार सीरीज़ को ख़त्म करने में, बहुत लंबी चली गई थी ये सीरीज़, इतनी लंबी जानी नहीं चाहिए थी। और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ज़रूर से जाके इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।